इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो आते रहेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। ये कंपनीज इंडियन मार्केट में काफी समय से अपने स्कूटर्स और बाइक्स के लिए पॉपुलर है। तो कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर है और क्या खास है स्कूटर्स में, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का ये वीडियो होने वाला है TVS iQube ST वर्सेस बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। तो देखते हैं कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेटर है। तो पहले बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो TVS iQube ST के बैटरी पैक की अगर बात करें तो इसमें आपको एक 4.56 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। और अगर बात करें बजाज चेतक प्रीमियम 2023 वर्जन की तो इसमें आपको एक 50.4 वोल्ट और 60.4 एएच का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। अगर इस दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर की बात करें तो यहाँ पर TVS iQube ST में आपको 4400 वाट BLDC मोटर मिलता है और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में आपको मिलता है 4200 वाट का BLDC मोटर। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो TVS iQube ST को 5 घंटे में आप फुल चार्ज कर पाओगे और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो ये स्कूटर को आप 4 घंटे में फुल चार्ज कर पाओगे। अब अगर बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज की तो यहाँ पर TVS iQube ST आपको 145 किलोमीटर यानी 145 किलोमीटर तक का रेंज देता है। और अगर बात करें बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो ये स्कूटर आपको सिंगल चार्ज पर 108 किलोमीटर तक का रेंज देता है। इसके बाद चलते हैं टॉप स्पीड की तरफ। तो यहाँ पर पहले अगर बात करें TVS iQube ST की तो यहाँ पे आपको 82 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड बजाज चेतक में आपको 63 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिलता है। तो टॉप स्पीड बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा कम है अगर हम लोग कंपेयर करें TVS iQube ST से। अब आपका एक और कंसर्न कि इन स्कूटर्स में आपको बूट स्पेस कितना मिलता है। तो TVS iQube में आपको 17 लीटर यानी 17 लीटर का बूट स्पेस मिल जाती है और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में आपको 18 लीटर यानी 18 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। अगर लुक्स की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के लुक्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। बजाज चेतक को अपने पुराने जो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते थे उन्हीं के तरह थोड़ा सा रेट्रो लुक दिया गया है और TVS iQube ST में आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग डिजाइन मिलता है। अगर बात करें कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको कलर ऑप्शंस कौन कौन से देखने को मिलेंगे तो TVS iQube ST में आपको 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको ब्लू, ग्रे, कोरल और कॉपर ब्रोंज कलर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बजाज चेतक में आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलता है, ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर। अब अगर बात कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्राइस के बारे में। यहाँ पर TVS iQube ST आपको 1,61,000 रुपीस एक शोरूम प्राइस में मिल जाएगा और अगर बात करें बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो ये स्कूटर आपको 1,52,000 एक शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर बजाज चेतक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसका बॉडी आपको स्टील में मिल जाता है यानी पूरा स्कूटर आपको मेटल बिल्ड में मिलेगा, लेकिन TVS iQube ST में आपको स्टील बॉडी देखने को नहीं मिलता है। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर लगा और आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहोगे कमेंट पे जरूर बताइए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।